वेलकम डियर स्टूडेंट इन आवर चैनल ज्ञान गंगा फैमिली। स्टूडेंट्स आप लोग के लिए मैं क्लास 10th का सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम लाइट है का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। दोस्तों आप लोग को बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि 2 सप्ताह के अंदर में ही हमें इस चैनल पे लगभग 500 से अधिक सब्सक्राइबर और 3 से 4 हजार व्यू मिले हैं। तो इन्हीं खुशी उल्लास के साथ आइए इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मिरर के बारे में पढ़ते हैं। मिरर होता है क्या है? मिरर यानी कि दर्पण। दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग होता है जिसका एक भाग रंगा हुआ और दूसरी भाग बिना रंगा हुआ होता है। बिना रंगे हुए भाग को हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। यानी इसे बोले तो क्या बोलेंगे, यानी कि मिरर इज डिफाइंड द पार्ट ऑफ होलो स्फीयर हुज वन साइड इज पेंटेड और हाईली पॉलिश्ड और कलर्ड एंड अनदर साइड इज अनपेंटेड और अनकलर्ड। दैट साइड इज नोन एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। एक्चुअल में हमारा मिरर यानी दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये दोनों को मिलाकर स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण कहा जाता है। इसे नॉर्मली समतल दर्पण कहा जाता है। समतल दर्पण कहते किसे हैं? तो आप देख रहे होंगे फिगर में एक स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ रहा होगा जिसका वन साइड क्या ये कलर है। समतल दर्पण यानी वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह एक समान चिकना यानी कि स्मूथ होता है। चलिए आते दूसरा में कनकेव मिरर। कनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ इनवर्ड होता है। और हमारा कन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ यानी कि वो आउटवर्ड होता है। यहाँ पे देखते हैं इसके बाद हम यूज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज हमारा निम्नलिखित है, जैसे में पहला में देखते हैं टू सी फेस, चेहरा को देखने के लिए हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पेरिस्कोप, सैनिक और कितना पनडुब्बी वगैरह पेरिस्कोप का यूज करते हैं वस्तुओं को देखने के लिए। अगला बात में देखते हैं नॉर्मली हमारा सैलून में भी क्या किया जाता है, प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। डोमेस्टिक यूज जो घर घरेलू में क्या करते हैं, इसका हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं यूज ऑफ कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो सबसे पहले इन कितना हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट में हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? तो इसलिए करते हैं ये हमारा जो कनकेव है इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, जो प्रकाश कितने को एक बिंदु पे क्या करता फोकस कर देता, जिससे क्या होता वस्तुओं को देखने में आसानी होता है। इसी प्रकार से कनकेव मिरर को टॉर्च में भी यूज करते हैं, इसलिए ताकि वो भी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पे फोकस करते हैं। सोलर कुकर में ये भी क्या करते हैं, यहाँ पे जो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें के समूह को अर्थात बीम को एक बिंदु पे फोकस कर देता है, जिससे अधिक मात्रा में ऊष्मा की हीट की उत्पत्ति होता है, जिससे खाना बनने में सहूलियत होती है। अगला होता है टू ऑब्टेन मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड इमेज बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द नोज आई टीथ एक्सेट्रा, चिकित्सक द्वारा नाक आकन कान गला की इत्यादि की जांच करने में भी हमारा कनकेव अर्थात अवतल दर्पण का ये उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पे साइड मिरर। साइड मिरर यानी कि जो भी गाड़ी चालक ड्राइवर होता है उसके अपने बगल में जो मिरर का यूज करता है उसे बोला जाता है ये साइड मिरर। ये इसलिए इसका यूज किया जाता है ताकि इसमें होता क्या, हमेशा काल्पनिक वर्चुअल इमेजिनरी इमेज का फॉर्मेशन होता है जो सीधा इरेक्ट और छोटा बनता है। दूसरी बात होता है टू ऑब्टेन डिमिनिश्ड इमेज यानी वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब बनने के लिए हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इन कितना स्ट्रीट आज कितना डाइवर्जिंग मिरर, गली चौराहे में हमारा प्रकाश किरणें को फैलाने के लिए यानी अधिक स्थान को प्रकाशित करने के लिए क्या किया जाता है, हमारा कन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इन फॉर्म ऑफ सेफ्टी मिरर इन शॉप एंड इंडस्ट्री, ये क्या होता है सेफ्टी मिरर क्यों कहा जाता है, तो अगर कहीं पे इंडस्ट्री वगैरह होता है तो वहां पे होता है क्या, बहुत से वस्तुएं को सुरक्षा बचाने के लिए
जो भी शॉप ओनर या इंडस्ट्री ओनर होता है एक कॉर्नर में एक मिरर लगा देता, वो कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण होता है, जिससे क्या होता है कि उस इंडस्ट्री या शॉप में रखी हुए प्रत्येक वस्तुएं का छोटा छोटा प्रतिबिंब क्या होता वो उसमें बन जाता, जिससे वो चोरी होने से क्या था वो सारी वस्तुएं बच जाता, इसीलिए इसे सेफ्टी मिरर के रूप में इंडस्ट्री और शॉप में यूज किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ द मिरर, दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण क्या होता है, ये बिंदु हैं। सबसे पहले आप में बात करते हैं पोल का, पोल होता क्या है, तो पोल यहाँ पे देख रहे हैं जो भी दर्पण है दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। पोल इज डिफाइंड द ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी, यानी कि दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, हम पोल बोलते हैं। अगर ये ऊपर वाला लेंथ 5 मीटर है तो निचला भी क्या होना चाहिए, 5 मीटर ही होना चाहिए, यानी पूरे का ये हाफ यानी मध्य बिंदु जहां पे होगा वहीं पे क्या होगा, पुल होगा। और दर्पण में सारी दूरियां जैसे हमारा वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्ता त्रिज्या, सारा यहाँ पे दर्पण के ध्रुव यानी पोल से ही मापा जाता है। इसके बाद हमारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आप जानते हैं दर्पण किससे बना है, दर्पण हमारा गोलीय स्फीयर से बना है, यानी स्फेरिकल हमारा स्फीयर से बना है, जिसका एक भाग क्या होता है वो रंगा हुआ, दूसरा भाग बिना रंगा हुआ होता है। तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को, सेंटर को दर्पण का क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्ता केंद्र कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा वो ये तीसरा में फोकस, फोकस होता है क्या, अगर ये दर्पण पे कोई भी प्रकाश किरणें आपतित होती है तो वो हमारा आपतित होने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरता है उसे फोकस कहा जाता है। फोकस इज डिफाइन एज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच रे ऑफ लाइट पासेज आफ्टर इंसिडेंट ऑन इट। चलिए अगला हमारा होता है ये फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है क्या, एक डिस्टेंस है। अभी हमने आपको बताया कि मिरर में जितनी भी दूरियां चाहे वो वस्तु दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी हो, वक्ता त्रिज्या हो, फोकस दूरी हो, सारा लेंथ यानी कि दूरियां हमारा कहां से मेजरमेंट होता है, पोल से। तो यहाँ पे कह रहा फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी, पोल और फोकस के बीच की दूरी के क्या बोल देंगे, फोकल लेंथ अर्थात फोकस दूरी होता है। फिर कहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्ता त्रिज्या, ये वक्ता त्रिज्या तो कहां से मेजरमेंट करेंगे, पोल से ही करेंगे, यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं हम, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे कैपिटल आर से लिखा जाता है। पीसी बराबर हमारा हो जाएगा आर और पीएफ बराबर स्मॉल एफ, और आगे के वीडियो में हम इसे प्रूव कर देंगे एफ बराबर आर बटा टू होता है कन्केव मिरर में और कन्वेक्स मिरर दोनों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए हो कि रेडियस कर्वेचर क्या होता है। अगला हमारा था प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस, तो दर्पण के पोल कोमा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हमारा एपर्चर यानी द्वारक, द्वारक होता क्या है, दर्पण के कितना सबसे बाहरी बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी को एपर्चर यानी कि द्वारक कहा जाता है। इसके बाद हमारा था ये इमेज, इमेज होता क्या है, तो आप सबसे पहले जानेंगे इमेज होता क्या, तो किसी वस्तु से दो प्रकाश किरणें आने के बाद दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर वो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। इसकी चर्चा विशेष हम अगले क्लास में करेंगे या अगले वीडियो में। चलिए, ये इमेज होता हमारा दो प्रकार का होता है, एक इमेज हमारा होता है रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। सचमुच में अगर दो रे एक दूसरे को कट करके जो इमेज बनाता है उसे रियल इमेज, लेकिन जो आभासी रूप से कट करे उसे वर्चुअल इमेज कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है और वर्चुअल में हमेशा सीधा बनता है। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा कुछ पॉइंट है यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर इमेज कैसे बनता है ये जानने से पहले यहाँ पे हम सीखेंगे
इमेज बनने के लिए हमें कितने का रिक्वायरमेंट होता है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए हम कम से कम हमें दो रे चाहिए। दो रे क्या कब चाहिए? एक हमारा यहाँ देखिए, अगर कोई वस्तु है तो ये हमेशा कहां से पास करेगा? फोकस से। अगर एक वस्तु क्या होना चाहिए? हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यानी कि कम से कम दो रे होता जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन करता है, एक फोकस से पास करेगा, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। हालांकि इससे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि रे डायग्राम हमारा किस तरह से पार करता है। तो पहला पॉइंट है वो हमारा डायग्राम में देखेंगे। सबसे पहले अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो हमेशा वो कहां से जाएगा? ये फोकस से होकर जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट इसी का उल्टा है, अगर कोई रे हमारा क्या हो रहा, फोकस से इंसिडेंट कर रहा है तो आपतन के बाद क्या होगा? वो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी पॉइंट, अगर कहीं पे कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो उससे रे आएगा तो उसी से क्या था वो लौट जाता है, यानी वक्ता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरण उसी से होकर वापस वो लौट जाती है, चाहे वो किसी प्रकार से इस तरह से आवे तो ये इसी तरह से लौट जाएगा, या अगर कोई रे हमारा इस तरह से आ रहा है तो इस तरह से क्या होगा? ये लौट जाएगा। लेकिन कब? जब हमारा मिरर दर्पण का पार्ट यहां भी तक होगा तब, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। चौथा पॉइंट क्या होता हमारा? तो चौथा पॉइंट होता है कि अगर कोई रे पोल पे जिस एंगल से इंसिडेंट होता है उतना ही एंगल से क्या हो जाएगा? वो रिफ्लेक्ट यानी कि परावर्तित हो जाएगा। जैसे मान चलते हैं कि अगर ये 40 डिग्री पे आपित हो रहा तो ये परावर्तित हमारा कहता हूँ ये 40 डिग्री से ही होगा। यानी कि हमारा रे डायग्राम हमारा चार प्रकार का होता, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण हमेशा फोकस होकर जाएगी। उसके उल्टा होता कि अगर जो फोकस से आपतित होगी प्रकाश किरण वो हमेशा परावर्तन के बाद प्रधान के समांतर हो जाएगा। तीसरी पॉइंट हमारा क्या कहता? वक्ता केंद्र से होकर आने वाले प्रकाश किरण उसी से क्या था वो वापस लौट जाती है। चौथा पॉइंट, दर्पण के ध्रुव पे जितने एंगल पे आपतित होती है उतने एंगल से क्या जाएगी? वो परावर्तित हो जाती है। चलिए यहाँ पे कुछ देखते हैं हमारा इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है कण के मिरर में। चलिए सबसे पहला केस हमारा, जब वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो आप देख रहे हैं कि ए भी यहाँ पे कोई क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ए भी हमारा यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जिससे प्रकाश किरण यहाँ पे गया और ये फोकस होके ये लौट गया। एक रे हमारा क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्यादा उससे क्या था वो लौट जाता। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्रकाश किरण है एक दूसरे के तब वो ये एरिया फैलता हुआ जा रहा, इसका मतलब वो एक दूसरे को कभी कट करेगा नहीं, तो इसका इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसके कितना अपोजिट साइड में हम डॉटेड क्या करते हैं? वर्चुअल रूप से मिला देते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि ए बी का हमारा ए डैश बी डैश एक इमेज बन जाता है। एक ऐसा इमेज है तो काल्पनिक इमेज है, सीधा इमेज है और वस्तु से बड़ा। यानी कि अगर आपको एग्जाम में पूछता है किसके लिए? डायग्राम बनाने के लिए एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर, तो नेचर के बारे में क्या करेंगे? कैसा इमेज बना? वर्चुअल इमेज, इरेक्ट बना एंड इनलार्ज देन द ऑब्जेक्ट। जब भी नेचर लिखने की बात करें तो सबसे पहले आप उसकी प्रकृति में लिखेंगे कि वो वर्चुअल है और रियल है। जो वर्चुअल होगा सीधा बनेगा, जो रियल होगा वैसा उल्टा बनेगा। यहाँ पे देख रहे हैं वर्चुअल बन रहा है क्योंकि डॉटेड लाइन से जबरदस्ती मिलाने से बना है। तो ये हमारा क्या हो गया? वो वर्चुअल यानी ऊपर की ओर बन गया इरेक्ट और ये वस्तु से बड़ा बन गया। कहाँ बना? तो बिहाइंड द मिरर बना। चलिए दूसरा केस देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं? फोकस पे रखते हैं। जब फोकस पे रखेंगे तो होता क्या है? दोनों रे एक दूसरे को पैरेलल हो जाता है। तो पैरेलल होगा तो कहां पे जाके मिलेगा ये? तो ये दोनों रे यहाँ इनफिनाइट पे जाके मिल जाएगा और ये रियल में मिलेगा। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा रियल इमेज बनेगा, उल्टा बनेगा और ये क्या बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। यानी क्या होगा? ये रियल इमेज जो होता हमेशा क्या बनता है? ये क्या बनता है? ये हमेशा उल्टा बनता है। कहां पे बनेगा? ये इनफिनाइट पे बनेगा। चलिए तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस क्या कह रहा है कि जब वस्तु को हम कहां पे रख रहे हैं? यहां पे देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहे हैं।
दोनों के बीच में रखेंगे, तो दोनों के बीच में रखें, एक रे गया जो फोकस को चाहिए वापस लौट गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरे क्या करेगा वो जाता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक दूसरे को कट कर रहा, रियली में कट रहा, इसलिए जो ये इमेज बना कैसा बना, रियल इमेज बना, और कहा बना ये उल्टा बना, उल्टा बना, तो ये देख रहे हैं साइज इसे क्या वो बड़ा बन रहा, यानी इस प्रकार से बना हमारा प्रतिबिंब जो कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है, वस्तु से बड़ा है और कहा बना ये उल्टा बन रहा है। चलिए अगला केस देखते हैं इसी का, अगला केस में देख रहे हैं जब वस्तु कहां पे रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो एक हमारा रे ऐसे गया जो फोकस होके लौटा, एक रे हमारा क्या गया ये फोकस होके लौटा, तो पदानंद के समांतर हो गया जो हम इसके पहले क्या हुए दूसरा को पट्टे में लिखे थे डायग्राम में। इस प्रकार से देखते हैं कि जब वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखते हैं तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के समान और कहां पर था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफिनाइट के बीच में रखते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है कि एक रे हमारा क्या था फोकस से गया, दूसरा क्या गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रियल इमेज बन रहा, रियल इमेज हमेशा क्या बनता है ये उल्टा बनता है, ये उल्टा बनता है, उल्टा यहाँ पे क्या वस्तु से देख रहे तो छोटा बनता है, यानी जब वस्तु को इनफिनाइट ऑफ सेंटर कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में क्या बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। लास्ट केस हमारा जब वस्तु कहां पे रखेंगे इनफिनाइट पे रखेंगे, इनफिनाइट पे रखेंगे तो सारा प्रकाश किरणें आपतन होने के बाद कहां पे मिलता है फोकस पे बनता मिलता है, इसीलिए इनफिनाइट पे रखे गए वस्तुओं का प्रतिबिंब कहां बनेगा ये फोकस पे बनेगा, और ये क्या बनता है रियल इमेज बनता है, वस्तु से काफी छोटा बनता है। चलिए एक हमारा ये कन्वेक्स का एक ही केस बनता है उसको हम देख लेते हैं। कन्वेक्स में क्या होता है एक हमारा प्रतिबिंब वस्तु को रख रहे हैं कहां पे इनफिनाइट पोल के बीच में रख रहे हैं, तो इस प्रकार से हमारा कहां पे जाएगा ये जैसे इंसिडेंट होगा तो क्या हो जाएगा ये डाइवर्जिंग मिरर है, हमेशा प्रकाश केंद्र को दूर भेजता है यानी अपसारी है, लेकिन इसे जब हम कहां से पास करवाएं फोकस से, दूसरा हमारा क्या होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो यहां से पास जबरदस्ती पास करवाने पे क्या होता है ये छोटा सा एक हमारा वर्चुअल इमेज बन जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि उत्तर दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है काल्पनिक बन रहा है, वस्तु से काफी छोटा बन रहा है, कहां पे बन रहा पोल और फोकस के बीच में बन रहा। आप अवतल दर्पण में देखें कि टोटल 6 केस बना, लेकिन जब उत्तल में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही केस बनेगा, या आप ये भी कर सकते हैं उत्तल दर्पण में आप वस्तु को कहीं भी रखिए प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और वस्तु से छोटा ही बनेगा। आप यहाँ पे दो पॉइंट याद रखेंगे, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो होता क्या हमेशा उल्टा बनेगा, लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा हमेशा वो सीधा बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमारा वस्तु से बड़ा भी हो सकता है या वस्तु से छोटा भी हो सकता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब होगा वस्तु के बराबर भी होगा, वस्तु से बड़ा भी होगा और वस्तु से छोटा, तीनों होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच लाइक करें शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।